हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, कल की मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो आज यूएस की मार्केट ने बहुत अच्छा अप मूव दी थी। ऑलमोस्ट 3% तक यूएस मार्केट ऊपर गई है, तो डेफिनेटली हमारी मार्केट एक गैप अप खोल सकती है। अब वो गैप अप के लेवल्स पे हम लोगों को देखना है कि कौन सा एक हैवी रेजिस्टेंस हो सकता है कि जहां से शायद वो रेजिस्टेंस लेके मार्केट एज अ रिट्रेसमेंट एक्ट कर सकती है या तो उस लेवल को भी ब्रेक करती है, तो एक शॉर्ट कवरिंग के थ्रू मार्केट पे और अच्छी रैली भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है कल की मार्केट के लिए, सारी बातें करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर आप आखिरी तक जरूर देखेंगे। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ और देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या सेटअप्स बन रहे हैं, कौन से स्टॉक पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि निफ्टी पे हम लोगों ने लास्ट फ्राइडे को एक गैप अप देखा था एग्जैक्टली इस लेवल पे, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस के लेवल तक आया था एंड आफ्टर दैट पूरे टाइम हम लोगों ने सिर्फ एक कंसोलिडेशन जोन ही देखा है। ठीक है, अब इस कंसोलिडेशन जोन में अगर आप चेक करोगे तो एक ऊपर के लेवल पे बिल्डअप बना है, मतलब एक रेजिस्टेंस साइड में एक बिल्डअप क्रिएट हुआ है। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो लास्ट की बात है, लास्ट दो तीन दिन पहले की बात है, मतलब ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से वेडनेसडे की बात होगी, 21 जून को जब इसने एक हाई क्रिएट करा था अपनी पूरी फॉल का 78%। ठीक है, यहाँ तक रोज करा एंड आफ्टर दैट एक सडन फॉल आई है। अगेन इसी लेवल पे दोबारा आया था ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे एंड यहाँ पर रेंज बाउंड रहा। दैट मीन्स कि ऑन अ रेजिस्टेंस साइड एक बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है और ये एक्ट कर सकता है आफ्टर अ ब्रेकआउट, एक अच्छा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और वो एज अ फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा बिकॉज हम रेजिस्टेंस साइड पे एक बिल्डअप देख रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि लेट्स सी कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, लेट्स गो विथ कि 15,740 अगर ब्रेक होता है तो यस गाइस, अगर 15,740 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक होता है हम लोग अपनी एंट्री ले सकते हैं। हमारा जो सबसे पहला टारगेट होगा दैट इज 100-110 पॉइंट्स ऊपर, जो कि 15,850 के आसपास है, जो क्लियर साइंस दिखा रहे हैं कि हमें देखने को मिल सकता है। सो लेट मी शो यू वंस अगेन, आप देख रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस लेवल के ऊपर ही निकलता है और एक कैंडल क्लोज होती है, डेफिनेटली आर टारगेट शुड बी दिस पर्टिकुलर लेवल, जहां से हम लोगों ने मल्टीपल बार सेलिंग देखी है। ठीक है, और इसी लेवल पे एक गैप डाउन आना भी स्टार्ट हुआ था। सो आई पर्सनली थिंक कि सिर्फ 15,850 to 15,870 तक मार्केट जा सकती है। अब पॉइंट ये आता है कि ये लेवल भी तो एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक्ट कर सकता है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये एक जोन है जिस लेवल से हम लोगों ने एक ह्यूज गैप डाउन देखा था। ठीक है, सो हो सकता है कि शायद कल मार्केट इसी लेवल पे ओपन हो जाए बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अ गैप अप। तो अगर ये इसी लेवल पे ओपन होती है देन डेफिनेटली वी हैव टू वेट। ठीक है, बिकॉज ये एक मेजर लेवल है, इससे भी ज्यादा मेजर लेवल ये है। तो अगर ये कल लेवल यहाँ पर ओपन होता और सीधा ब्रेकआउट हम देखते हैं तो एग्जैक्टली उसी ब्रेकआउट पे हमें एंटर नहीं करना। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन कि अगर कल इसी लेवल पे ओपन होता और विद इन 30 मिनट्स ही अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो हमें इस पे एंटर नहीं करना। ठीक है, हमें वेट करना है कि ये जब दोबारा जोन के अंदर आए एंड जैसे ही जोन के अंदर आएंगे जितने भी सेलर्स होंगे वो एंटर करेंगे एंड वो सेलर्स को ट्रैप करेगा और तब हम लोग वहां पर अपनी बाय पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ दो सिनेरियो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि अगर ये ब्रेकआउट देता है दैट मीन्स कि एक स्ट्रॉन्ग बायस डेफिनेटली है, बट एक कंटिन्यूस ट्रेंड ब्रेकआउट के समय हमें देखने को नहीं मिलेगी। सो एक अगर ट्रैप बनाना होगा तो व्हाट विल हैपन कि वो ऊपर जाएगा, डेफिनेटली ऊपर जाएगा, एक कैंडल और ऊपर क्लोज कर देगी ब्रेकआउट पे, बट आफ्टर दैट वो नीचे आएगी। इस जोन के नीचे जैसे ही जाना स्टार्ट करेगी सेलर्स एंटर होंगे बिकॉज ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट सोच के। जैसे ही वो एंटर होंगे उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, ठीक है, एंड वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगा एंड मार्केट तब ऊपर जा सकती है। ठीक है, या फिर अगर इसी लेवल पे ओपन होकर कंसोलिडेट होता है तो हम लोग तब भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं। सो माय पर्सपेक्टिव इज अगर इसी लेवल पे ओपन होता है, ओपन आर 2 मिनट्स या 3 मिनट्स टाइम फ्रेम, और जैसे ही अगर आपको एक बियरिश कैंडल दिख दिया वहां पर एज अ स्कैल्पिंग शॉर्ट ट्रेड जरूर ले सकते हो। ठीक है, सो ये था निफ्टी का सिनेरियो। एक बार चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी सेम टाइप ऑफ सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो लेट मी रिमूव दिस और हम लोग एक जोन अपने आप से क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने एक जोन अपने आप से क्रिएट कर लिया, बहुत क्लियर साइंस में हमें देखने को मिल रहा है कि जिस लेवल से एक गैप डाउन आया था और जहां से गैप डाउन देते ही नीचे जाना स्टार्ट कर रहा था, ये लेवल्स बहुत मेजर है। अब एग्जैक्टली इस लेवल पे भी कंसोलिडेट नहीं कर रहा था, एग्जैक्टली इसको भी टेस्ट करके नीचे आया था, इस लेवल से भी नीचे आ गया था, यहां पर हम एक थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देख रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन कि अगर डेफिनेटली कल हम गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी भी डेफिनेटली गैप अप देगा। एंड अभी जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है, स्पॉट प्राइस दैट इज 33,620 का, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 180 to 250 पॉइंट्स का गैप अप बैंक निफ्टी इजिली दे सकता है।
दैट मीन्स कि ये ब्रेकआउट दे सकता है. निफ्टी अभी तक अपने लेवल्स को ब्रेकआउट नहीं दे पाएगा, बट बैंक निफ्टी ओपन होते ही ब्रेकआउट लेवल पे होगा. सो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी ये निकल के आ सकती है कि अगर निफ्टी पे हम लोग शॉर्ट ट्रेड बना रहे हैं ना, तो बैंक निफ्टी में एज अ लॉन्ग ट्रेड, एज अ स्कैल्प ट्रेड बना सकते हैं. रिमेंबर दैट कि जैसे हम लोग, आपने देखा कि निफ्टी 15,850 पे आई है, एंड विद इन 2 to 3 minutes कैंडल जो भी आप चेक कर रहे हो टाइम फ्रेम, वहां पर आपने देखा एक बियरिश कैंडल बनती है और आप सिर्फ 3-4 minutes का ट्रेड लेना चाहते हो फॉर अ बियरिश साइड, वहां पे आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं. बिकॉज जैसे ही अगर ये ब्रेकआउट देगा ये मेजर लेवल्स को, यहाँ पे एक बाइंग आना जरूर स्टार्ट होगी विद इन जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, बट बाइंग जरूर आ सकती है यहाँ पे. सो मेक श्योर कि आप इन दोनों के बेसिस पे भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हो. अब बात करते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट देता है तो व्हाट शुड बी द टारगेट. ठीक है, सो व्हाट इज ए आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक लेवल है जो कि एज अ अच्छा लेवल सस्टेन कर सकता है, एंड ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स ऊपर है और मैं वो कौन उसमें हूँ कि डेफिनेटली मार्केट 300 पॉइंट्स भी बैंक निफ्टी ऊपर खुल सकती है. बट अगर इस लेवल पे ओपन होती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना. ठीक है, अगर आप यहाँ चेक करोगे क्लियर साइंस ऑफ रेजिस्टेंस आफ्टर अ ब्रेकडाउन, इट्स अ क्लियर साइंस ऑफ शॉर्ट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करा एंड एक ब्रेकआउट दिया. ठीक है, सो डेफिनेटली अगर ये इस लेवल के ऊपर ही यहाँ पर कहीं खुलता है, इधर कहीं खुलता है, तो हम लोग एक बाय ट्रेड फॉर दिस ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे. ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की. तो हमारा सबसे पहला स्टॉक है दैट इज लिंडा इंडिया, एंड ये स्टॉक में बहुत टाइम से आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत बार रिकमेंड कर चुका हूँ, रिटर्न्स भी अच्छे थे अभी तक, तो पास्ट में पिछले 2-3 महीने तक तो नहीं दिए थे, बट अब मुझे लगता है कि अच्छे रिटर्न्स दे सकता है. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्टॉक एनालिसिस कि एक राइजिंग चैनल के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है विद अ 200 days एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक क्लियर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, एंड अपने बहुत अच्छे जोन पे जो 1.5 साल का रेंज का कंसोलिडेशन था वहां पर आके इसने रीटेस्ट करा है और नाउ इट्स बाउंसिंग अगेन. आई थिंक ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अगर आपको एक अच्छा हेफ्टी रिटर्न जनरेट करना है ना. ये स्टॉक अभी बहुत कम रिस्क पे आप लोगों को मिल रहा है. ठीक है, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा है. देन लेट मी जस्ट शो यू. ठीक है, अगर आप इसी लेवल पे बाय करते हैं तो आई पर्सनली थिंक दिस शुड बी आर स्टॉप लॉस एंड दिस पर्टिकुलर थिंग शुड बी आर टारगेट. सो ऑलमोस्ट 1:3.5 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है. आई पर्सनली एक्सपेक्ट कि अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं और बाय ऑन डिप्स भी अपॉर्चुनिटी लेकर चलते हैं तो ये अच्छे रिटर्न दे सकता है. लिंडा इंडिया को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड कर सकते हैं. अब बाय कब करना है वो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ. तो आप देख सकते हैं कि अभी एग्जैक्टली एज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न में देखने को मिला, इट्स नॉट अ क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बट आप देख सकते हैं कि मेजर लेवल्स थे जिस लेवल से एक बड़े ब्रेकडाउन आए थे. ठीक है, और अगर आप ये चीज भी चेक करोगे ना तो यहाँ पर प्राइस कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है. लेट मी यूज अ वॉल्यूम फॉर यू. ठीक है, अगर आप वॉल्यूम्स यूज करोगे तो आप यहाँ देखोगे यहाँ जो पहला फॉल आया, ठीक है, उसके बाद सेकेंड फॉल में और वॉल्यूम्स कम हो गए, ठीक है, एंड थर्ड वॉल्यूम्स में अगेन कम हो गए. सो आप यहाँ चेक कर रहे हो कि प्राइस जो फॉल है, ये पहले बड़ा फॉल आया, अगेन एक छोटा फॉल आया, अगेन उससे भी ज्यादा छोटा फॉल आया, नाउ इट्स गिविंग अ ब्रेकआउट. तो ये रिलायबल हो सकता है. ठीक है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ 2,990 rupees के ऊपर अगर निकलता है, डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आप बाय कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आयोनॉक्स लेजर की, तो लेट मी ओपन अ डेली टाइम फ्रेम फॉर यू. और ना डेली टाइम फ्रेम बहुत अच्छे लेवल पे मिल रही है आयोनॉक्स, एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है. इसके अलावा ये मल्टीपल इसके रेजिस्टेंस हुआ कर सपोर्ट्स हुआ करते थे, बट नाउ इट एक्टिंग एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस. ठीक है, सो व्हाट वी डू इज कि अभी ये 504 पे चला और एक अच्छा लेवल ब्रेक कर रहा है बस 500 rupees का, तो डेफिनेटली इसमें एक अपमूव कैरी ऑन है. ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये नीचे भी आना स्टार्ट होता है, चलिए एक बार 15 minutes का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं. ठीक है, अगर ये नीचे भी आना स्टार्ट होता है, आई पर्सनली थिंक ये एक लेवल है जिस लेवल तक ये आ सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 500 rupees के आसपास आ सकता है, और वहां पर हम अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 508 to 512 rupees का. ये ब्रेकआउट जो आया है, मुझे बस एक बार और श्योर होना है कि एक ऊपर कैंडल और सस्टेन कर रही है नहीं कर रही है, अदरवाइज हम एज अ BTST ट्रेड कल के ट्रेडिंग सेशन पे भी लेकर चल सकते हैं. दो स्टॉक्स ही हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया. लास्ट स्टॉक हमारा है RCF. RCF का लेट मी ओपन अ डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट ऑफ ऑल. ऑन अ डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो एक बहुत अच्छा पैटर्न मुझे देखने को मिला है, जिसे हम कहते हैं बुलिश बैट पैटर्न. एंड या जस्ट लेट मी शो यू वेयर इज द या यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके का एक बैट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, एंड इस लेवल पे एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है.
आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 88% तक ये हॉल्ट करा, एक बहुत बियरिश कैंडल थी, बट विद इन 2 to 3 days ये इसके ऊपर ही कंसोलिडेट करता रहा एंड फाइनली इट गेव इज ट्राइंग टू गेव अ ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल। सो भी 78 rupees पे ट्रेड कर रहा है। वट वी कैन डू इज कि अगर ये 78.5 के ऊपर निकलता है डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग आ सकती है। तीसरी चीज, अगर आप वॉल्यूम्स को चेक करोगे ठीक है, तो इस कैंडल के बाद से जितनी भी मोमेंटम हुई है वहां पे सारे के सारे वॉल्यूम सिर्फ गिरे ही गिरे हैं ठीक है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है और वॉल्यूम्स पर होते हैं तो दैट मीन्स कि एक अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है, 85 तक भी RCF जा सकता है। सो पूरा फोकस रखना इस ब्रेकआउट पे, सस्टेन कर रहा है विद 15 minutes कैंडल ऑफ क्लोजिंग और यहाँ पर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं ठीक है। सो आई होप मेरी एनालिसिस, मेरे स्टॉक्स, मेरी सारी चीजें आप लोगों को पसंद आई हैं, आप लोग इसके थ्रू कुछ सीख के ट्रेड्स को फाइंड कर पाते हो या आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है और क्या क्या नई चीजें हम लोग इस वीडियो सीरीज के अंदर लेकर आ सकते हैं दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू और जिससे आप और कुछ सीख सकते हैं। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बिकॉज ये वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिल सकती है कल की मार्केट पे ट्रेड करने के लिए। बाय बाय गाइस, हैव अ वेरी गुड डे।